का पूरा परिचय जी, और क्या मानते हैं कि यूपी पुलिस क्या कर रही है? मेरा नाम चमकौर सिंह है, जिला कैथल वाइस प्रधान। चलो चलो निकलो निकलो, आप लोग यहाँ पे आगे इंटरव्यू लीजिएगा, जाइए जाइए जाइए। देवेंद्र पीछे हो जाएगा, ये देवेंद्र पीछे हो जाए यार भाई। आगे रोकना जी, आगे आगे पहले ड्राइवर को बंद कर दिया। कहाँ जा रहे थे, क्या कुछ अभी तक देख रहे हो आप? सर लखीमपुर खीरी जा रहे हैं, ये सरकार बहुत धक्का कर रही है, वहाँ पे बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है किसानों के ऊपर और वहाँ पे जाने भी नहीं दे रही। क्या हालात देख रहे हैं? हालात बहुत गलत है सर, इससे बड़ा हालात क्या होंगे। एक अंतिम संस्कार पे जा रहे हैं, वहाँ भी नहीं जाने दे रहे हैं। हमारे और रिश्तेदार हैं जो एक्सपायर हुए, तो इससे बड़ी और अत्याचार क्या होगा? हमारे रिश्तेदार हैं जो एक्सपायर हुए। मैं जरनैल सिंह हल्का गुला आईटी सेल किसान यूनियन प्रधान गुरनाम सिंह की ढूंढने कितने नेता प्रयासरत है कि किसान की देने के लिए सभी नेता प्रयासरत है जो किसान यूनियन के हैं। आपके साथ में कौन है? ये जिला उपप्रधान है चमकौर सिंह जी। अभी तक कितने किसानों को अंदर जाने दिया जा रहा है? सर अभी तो रोक ही रहे हैं जाने को, तो ये मना ही कर रहे हैं अभी ना जाओ वहाँ पे आप। क्या हालात बने हुए हैं केजीपी के? केजीपी तो पूरा रोड ब्लॉक ही है, जाम है, एक भी गाड़ी को जाने भी जाने नहीं देते। देख सकते हैं किस तरह से किसानों ने है वो आगे बढ़ रहे हैं, पूछताछ की गई है जी। बिल्कुल, हमारा नाम पता फोन नंबर सारा मेंटेन किया गया है
और हम हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों सरकारों की निंदा करते हैं। इन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए, चाहे हरियाणा का मुख्यमंत्री है चाहे उत्तर प्रदेश का है, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इतनी जनता परेशान है, लोग सोचते हैं कि किसानों के आंदोलन की वजह से हम परेशान हैं, मगर यहाँ प्रशासन ने और सरकार के द्वारा परेशानी पैदा खड़ी कर रखी है और इतनी जनता परेशान है। आप कहाँ जा रहे हैं? हम सोनीपत से आ रहे हैं, हम लखीमपुर खीरी जा रहे हैं। क्या हालात है केजीपी के? केजीपी का ये हालात है, 20 किलोमीटर लंबा जाम हो चुका है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, किसी की कोई परवाह नहीं, जान की कोई परवाह नहीं है। चाहे हरियाणा का मुख्यमंत्री हो चाहे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, इन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि इस केएमपी की बहुत भारी फीस ली जाती है कि इसमें कोई रुकावट नहीं होगी, चंद मिनटों में ट्रैफिक हमारा जाएगा। यहाँ प्रशासन द्वारा खुद कई कई घंटे में लोग फंसे हुए हैं। लोगों की नजरों में तो किसानों ने जान लगाया भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की जनता, गरीब जनता, किसान और मजदूर भाइयों को सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जाम हमारे वजह से नहीं लगाया गया है, यहाँ प्रशासन ने खुद हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए खुद बे खुद यह जाम लगाया है, हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। किसान एकता। मेरा नाम सत्यवान नरवाल, भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी, प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा। सत्य भाई 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 पीछे तो ले ले भाई, भाई पीछे ले ले भाई। मैं संदीप किसान सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से, और वहाँ हम लखीमपुर खीरी के लिए जा रहे थे और पुलिस प्रशासन के द्वारा केएमपी पूरी तरह से 12 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन किसान ट्रैफिक को रोके हुए है और परेशान कर रही है और किसानों को बदनाम कर रही है। किसानों ने रोड जाम कराया हुआ है। किसानों ने, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसानों ने रोड जाम नहीं कराया, पुलिस प्रशासन के द्वारा रोड जाम है। हम यहाँ यूपी की धरती पर खड़े हैं, पैदल आए हैं, 10 किलोमीटर चल के हमारी गाड़ी पीछे है और पूरी योगी सरकार तानाशाह हिटलर शाही दिखाना चाहती है, किसानों को दबाना चाहती है, लेकिन ये किसान अब जाग चुका है, किसान दबने वाला नहीं है। हम अपने किसान भाइयों को, जो लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है 2 दिन पहले, हम वहाँ उनकी आत्माओं को शांति देने के लिए वहाँ जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें भी रोकने की कोशिश करी, लेकिन हम किसान